हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाफिंग गॉड। मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट से बात कैसे करते हैं, मतलब कॉलिंग स्क्रिप्ट। वैसे तो यूएस स्टाफिंग में किसी कॉलिंग स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर नए हैं यूएस स्टाफिंग में, अभी कुछ दिन पहले आपने जॉब स्टार्ट की है, तो कई बार जरूरत पड़ जाती है कॉलिंग स्क्रिप्ट की। लेकिन जो लोग पुराने हैं, जिनके कॉम स्किल्स थोड़े ठीक हैं, वो जनरली कैंडिडेट से ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कॉलिंग कैसे करनी चाहिए। सो इसके दो केसेस होते हैं। केस वन, आप कैंडिडेट को कॉल करते हैं और उससे बात करनी स्टार्ट करते हैं। हे, दिस इज गौरव कॉलिंग फ्रॉम स्टाफिंग गॉड, एम आई स्पीकिंग विद एलेक्स? वहां से एलेक्स बोलेगा यस दिस इज एलेक्स। आप उससे फिर आगे बात करेंगे। हे एलेक्स, आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब? सपोज एलेक्स को जॉब नहीं चाहिए तो वो कह देगा नो। आप सिंपली उससे बोल देंगे ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, एंड ये केस क्लोज। नाउ केस टू, अब आप कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं। हे, दिस इज गौरव कॉलिंग फ्रॉम स्टाफिंग गॉड, एम आई स्पीकिंग विद एलेक्स? उधर से एलेक्स रिप्लाई करेगा यस दिस इज एलेक्स। हे एलेक्स, आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? उधर से एलेक्स रिप्लाई करेगा यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। अब आपको उसको जॉब के बारे में बताना है कि आप क्या जॉब है आपके पास, क्या आपका क्लाइंट है और क्या लोकेशन है। नाउ लाइक, हे एलेक्स, वी डू हैव अ जावा डेवलपर रोल बेस्ड एट डैलस टेक्सास, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी विद आर क्लाइंट ABC, वुड यू बी इंटरेस्टेड? अब एलेक्स बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड। सो अब आपको उससे स्किल सेट्स पूछने हैं, अपने स्किल सेट्स बताने हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए और क्या उसके पास ये सब है। जैसे, हे एलेक्स, आवर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर अ गुड जावा डेवलपर, समबडी हु हैव एटलीस्ट 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद जावा, विद HTML, CSS, JavaScript एंड AngularJS. मे आई नो हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव विद जावा एंड AngularJS? आपको सिंपली उससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं उसके स्किल सेट्स के बारे में कि कितना आपको एक्सपीरियंस है जावा से में, कितना आपको AngularJS में एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। सो अभी हमने एलेक्स से उसकी स्किल सेट्स के बारे में बात कर ली है, अब हम उससे उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। मेनली हम कैंडिडेट्स को लोकल ही ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऑल ओवर US ढूंढते हैं, तो वो केस अलग है। सो अभी हम कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं लोकल। सो अब बात करेंगे एलेक्स से। हे एलेक्स, आवर क्लाइंट इज बेस्ड एट डैलस टेक्सास एंड इट इज ABC कंपनी, सो मे आई नो हाउ फार यू आर फ्रॉम ABC डैलस टेक्सास? एलेक्स रिप्लाई करेगा कि आई एम 25 miles अवे, आई एम जस्ट 35 minutes अवे फ्रॉम देयर। फिर आप उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे सो इज दिस लोकेशन इज कम्यूटेबल फॉर यू, क्या ये लोकेशन आप उस पर डेली जा सकते हैं? सो एलेक्स आपको रिप्लाई करेगा यस इज इट इज कम्यूटेबल फॉर मी। फिर आप बोलेंगे ओके। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है वीजा। हमें कैंडिडेट से उसके वीजा के बारे में पता करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला US सिटीजन होता है या ग्रीन कार्ड होल्डर होता है, तो उनसे अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे कि आपका वीजा स्टेटस क्या है, तो वो कई बार बुरा मान जाते हैं और हमें डायरेक्टली पूछना भी नहीं चाहिए कि आपका वीजा स्टेटस क्या है। सामने अगर बंदा इस नाम का है, अशोक, प्रशांत, दीज काइंड ऑफ नेम्स, तो आप इजिली समझ सकते हैं कि वो देसी बंदा होगा और शायद वीजा उसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सिंपली एलेक्स है या फिर एडवर्ड है, कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकता है US सिटीजन हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, या किसी और कंट्री का हो और वहां पे शायद E3 वीजा पे आया हो, शायद OPT हो या F1 वीजा पे हो, तो उससे हम डायरेक्टली ये नहीं पूछ सकते कि आपका वीजा स्टेटस क्या है। तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्रिकी स्टाइल में पूछेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे, इसीलिए हम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लो में करते आ रहे हैं। आपका स्किल सेट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, तो इसीलिए इसी में जस्ट हम क्विकली एक ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। आई बिलीव यू आर अ US सिटीजन, आर यू? बंदा उसका रिप्लाई करेगा यस आई एम अ US सिटीजन, और अगर वो US सिटीजन नहीं होगा तो वो अपना वीजा बताएगा नो एक्चुअली आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर, और या फिर नो आई एम एन OPT होल्डर। सो वो इस तरीके से अपना वीजा बता देगा। वीजा के बारे में आपको पता होगा कि आपको कौन सा वीजा इस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं उसके वीजा से, सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रेट पार्ट।
आप उससे आराम से इजीली पूछेंगे, हे एलेक्स, मे आई नो व्हाट इज द रेट यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस रोल? एलेक्स आपसे कहेगा कि मे आई नो व्हाट इज द रेंज यू आर लुकिंग फॉर? सो एक रेंज आपको ऑब्वियसली दी हुई होगी, रेट आपको पता होगा, आप उससे $10 या $5 थोड़ा सा माइनस में लेके चलिए। अगर सपोज आपको $50 का रेट दिया हुआ है और एलेक्स का एक्सपीरियंस लग रहा है आपको 5 years या 7 years, सो आप उससे सिंपली कह सकते हैं, हे एलेक्स, वी आर लुकिंग समथिंग अराउंड 45 an hour ऑन W2 या 45 an hour ऑन कॉप टू कॉप। फिर एलेक्स उधर से रिप्लाई करेगा, ओ आई एम लुकिंग फॉर एक्चुअली 50। सो आप उससे थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं, हे एलेक्स, एक्चुअली वी आर लुकिंग समथिंग अराउंड 45, बट आई बिलीव यू आर अ वेरी गुड candidate for this role, so we can stretch it up to 48, so would you be comfortable at 48? Alex ko lagega yaar banda genuine hai aur 45 hi rate tha aur mere liye shayad 48 ye stretch kar raha hai, thodi si koshish kar raha hai, to Alex kai baar maan jayega, candidate aapka kai baar maan jayega, kai baar bolega nahi I cannot do anything less than 50, so aap agar aapke paas rate hai 50 to aap use 50 de den। सो ये थी कॉलिंग स्क्रिप्ट। सो अब हम बात करेंगे कि जब हमारा सब कुछ हो गया है कैंडिडेट्स के साथ, हमने उसका स्किल सेट देख लिया, हमने उसका वीजा, उसकी लोकेशन सब पता कर दिया और कैंडिडेट सूटेबल है, अब हमें उसे भेजना है आरटीआर। सो आप उससे सिंपली कहेंगे, हे एलेक्स, आई एम गोइंग टू सेंड यू एन आरटीआर ओवर योर ईमेल, प्लीज रिप्लाई मी बैक विद योर अपडेटेड रेज्यूमे एंड द रिक्वायर्ड डिटेल्स। अब एलेक्स बोलेगा कि ओके, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू बैक शॉर्टली। सो अगर आप जल्दी में हैं, आपको लगता है कि आपको जल्दी से सबमिटल करना है, सो आप उससे कह सकते हैं कि हे एलेक्स, दिस इज अ वेरी टाइम सेंसिटिव रिक्वायरमेंट एंड मेनी रिक्रूटर्स आर वर्किंग फॉर द सेम रिक्वायरमेंट एंड वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स, सो कैन यू प्लीज रिप्लाई मी बैक एज सून यू कैन। एलेक्स को लगेगा यार थोड़ा सा जल्दबाजी का मामला है, मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर दूं, तो एलेक्स हो सकता है कि अपना जो काम कर रहा हो वो छोड़ के आपको जल्दी से रिप्लाई करे, क्योंकि फोन से रिप्लाई करना होता है, बहुत कम केसेस में कंप्यूटर की जरूरत होती है, सबके पास रेज्यूमे उनके फोन में होता है, रिप्लाई वो उससे कर सकते हैं। सो हो सकता है कि एलेक्स आपको 10-15 मिनट में रिप्लाई कर दे, या फिर आप एलेक्स से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मे नो हाउ मच टाइम यू विल टेक टू रिस्पॉन्ड मी बैक। एलेक्स आपको बताएगा कि आई विल टेक 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, और आप सिंपली कह देंगे ओके, आई एम गोइंग टू सेंड यू द आरटीआर, प्लीज हैव अ लुक एंड रिप्लाई मी बैक एज सून यू कैन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ये कह के आप उसका फोन रख देंगे। सो ये सब था कॉलिंग स्क्रिप्ट के बारे में, या फिर हम कैंडिडेट से बात कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी मैं बताऊंगा कि H1 ABC की जो कैटेगरीज होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आपको समझाऊंगा H1 वीजा क्या होता है, इसकी क्या वैलिडिटीज हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए स्टाफिंग गॉड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।